हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5200 वाला ऑडियो बोर्ड वर्सेस 7294 वाला ऑडियो बोर्ड। तो दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा होता है? यहाँ पे 5200 एक ट्रांजिस्टर होता है और हमारा 7294 एक आईसी होता है जो कि ऑडियो के लिए काम करता है, ऑडियो का एम्पलीफायर के लिए काम करता है। तो एक सिर्फ ऑडियो एम्पलीफायर के लिए बना है और हमारा 5200 एक ट्रांजिस्टर होता है जो कि मैं यहाँ पे ऑडियो के लिए काम में ले रहा हूँ। तो दोनों ही हमारा जो एक आईसी है और एक ट्रांजिस्टर है, दोनों ही काफी पावरफुल ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर है और दोनों ही हमारा आईसी वाला भी काफी पावरफुल एक ऑडियो एम्पलीफायर है। तो 5200 के अंदर काफी आपको हाई रेंज पर आपको मिल जाएगा जो कि प्रोफेशनल के लिए यूज होता है, उसके अंदर आपको लगभग 5000 का आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को बात करूंगा नॉर्मली हम होम यूजर्स के लिए जो यूज करते हैं उसके हिसाब से मैं यहाँ पे बात करूंगा। तो नॉर्मली यहाँ पे हम 4 ट्रांजिस्टर वाला 5200 के बारे में बात करेंगे और मैं यहाँ पे 2 आईसी वाला 7294 के बारे में बात करेंगे। वैसे यहाँ पे 4 आईसी वाला भी 7294 ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड मिल जाएगा। तो दोनों अगर देखे यहाँ पे भी आपको हायर एंड पर मिल जाएगा, 8 ट्रांजिस्टर वाला भी मिल जाएगा। तो ट्रांजिस्टर के हिसाब से हमारा यहाँ पे वाट बढ़ता रहेगा, यहाँ पे जितना ट्रांजिस्टर बढ़ाएंगे उतना हमारा वाट बढ़ता रहेगा। लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट हम 4 आईसी वाला ही ले सकते हैं 7294 के अंदर, हम हाईएस्ट 4 आईसी वाला ही ले सकते हैं। तो 4 आईसी लेने से हमारा लगभग 400 वाट का आउटपुट मिल जाएगा और 2 आईसी लेने से हमारा 200 वाट का आउटपुट मिल जाएगा। तो 7294 क्योंकि एक एम्पलीफायर ऑडियो एम्पलीफायर के लिए स्पेसिफिक बना हुआ है तो इसके अंदर बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाएगा, जैसा कि ओवर वोल्टेज, ओवर लोड और ओवर हीटिंग। तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा जो कि काफी एक अच्छी बात है आपका एम्पलीफायर के लिए कि ये ऑटोमेटिक आपका हीटिंग सेंस करके आपका खराब होने से ये बचा देगा। लेकिन अगर नॉर्मल आप 5200 वाला कोई एम्पलीफायर बोल लेंगे जो कि मार्केट पे 4 ट्रांजिस्टर के अंदर मिलता है तो उसके अंदर ऐसा कोई आपको सेफ्टी फीचर्स नहीं मिलेगा। तो उस हिसाब से अगर देखे हमारा 5200 इसमें काफी पीछे है ऑडियो सेफ्टी फीचर्स के मामले में। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि साउंड क्वालिटी कैसा होगा। तो दोनों में जो हमारा 7294 है इसके अंदर आपको काफी अच्छा गेन मिलेगा, ओवरऑल यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा ही मिलेगा। लेकिन 5200 के अंदर उतना आपको ज्यादा गेन नहीं मिलेगा क्योंकि जो नॉर्मली आपको मार्केट में बोर्ड मिलता है उतना बढ़िया क्वालिटी नहीं होता है। लेकिन हमारे 7294 के अंदर ज्यादातर सर्किट हमारा आईसी के अंदर ही बना हुआ होता है तो इसलिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे बार छोटा मोटा कंपोनेंट लगाने से ही हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है, तो जिसके कारण यहाँ पे आपको आईसी में ज्यादा परफॉर्मेंस बेटर मिलेगा। तो अब अगर एम्पलीफायर लेना चाहते हो ऑब्वियसली आप 7294 के साथ जा सकते हो, लेकिन देखिए यहाँ पे आपको 400 वाट का एक लिमिटेज है। लेकिन आप अगर उससे ज्यादा वाट लेना चाहते हो तो उस केस में आपको 5200 के साथ जाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमारा 5200 कमजोर है और इसके अंदर सेफ्टी फीचर्स नहीं बन सकता, ऑब्वियसली बन सकता है, लेकिन वो जो सर्किट बना रहा है उसका वो काम है। अगर वो उस सर्किट के अंदर ऐसा कुछ फीचर्स दे तो तभी आप पा सकते हो, लेकिन हमारा आईसी के अंदर इनबिल्ट ये दिया हुआ है। तो आशा करता हूँ मैं आप लोगों को समझा पाया हूँ कि कौन सा वाला आपके लिए सही होगा, दोनों में से क्या डिफरेंस है। तो दोनों ही हमारा लगभग सेम वाट का आउटपुट देता है। यहाँ पे अगर 4 ट्रांजिस्टर वाला ले और यहाँ पे एक 2 आईसी वाला ले, दोनों ही हमारा स्टीरियो एम्पलीफायर होगा और दोनों ही लगभग हमारा सेम आउटपुट मिलता है, लेकिन हमारा आईसी के अंदर ज्यादा गेन मिलेगा और साउंड क्वालिटी भी थोड़ा फ्रेश लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ अगर एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स और कमेंट कर सकते हो और आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, बाय।